पर इराक में मुजाहिरीन का इराकी हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा जोर पकड़ गया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी शिद्दत इख्तियार कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से मजीद 35 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इराक में 1 अक्टूबर से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत अख्तियार कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुजाहरीन पर फायरिंग के नतीजे में मजीद 35 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम इस वाक़े के बाद मुजाहरीन में गम व गुस्सा मजीद बढ़ गया है। मुजाहरीन ईरान की हिमायत याफ्ता हुकूमत पर बदनामी में मुलव्वस होने, अवामी कामों के हवाले से शिकायात और बेरोजगारी की शरह इंतहाई बुलंद होने के इल्जाम आयद करके मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुश्तइल मुजाहिरीन ने नजफ में कायम ईरानी कौंसल खाने को आग लगा दी। ताहम इस हंगामा आरई में ईरानी कौंसल खाने का अमला किसी किस्म के नुकसान से महफूज रहा और इमारत के अकबी हिस्से से निकलने में कामयाब रहा, जिसके बाद हुकाम ने नजफ में कर्फ्यू नाफिज कर दिया।